Yo, what's up guys? कैसे आप सब लोग एंड वेलकम बैक टू ब्रांड न्यू गेम प्ले वीडियो होते हैं। आज की गेम प्ले वीडियो में हम लोग खेलने जा रहे हैं सिटी स्मैश। तो गाइस इस गेम में ना हम लोगों को एक पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय करना है अलग अलग चीज़ों को यूज़ करके, जैसे कि बॉम्ब्स और एरोप्लेन और अलग अलग UFOs को यूज़ करके। तो गाइस जल्दी से स्टार्ट करते हैं अपने गेम को, क्योंकि मेरे से बिल्कुल भी समझ नहीं हो रहा है इस गेम को खेल। तो यहाँ पे जल्दी से हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो गाइस काफ़ी ज़्यादा सुंदर सी सिटी है, यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक, क्योंकि नीचे आप लोग देख सकते हो गाड़ियाँ आ जा रही हैं, तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा ट्रैफिक होने वाला है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो गाइस काफ़ी बड़ी बड़ी बिल्डिंग भी यहाँ पे बनी हुई है। तो मेरे पास दो ऑप्शन है, एक तो राइट साइड में है और एक लेफ्ट साइड में है। तो लेफ्ट साइड का मेरे ख्याल से कोई यूज़ नहीं होगा, राइट साइड वाले ही यूज़ आएंगे हमारे। तो यहाँ पे काफ़ी सारे ऑप्शन है, बॉम्ब्स है, नेचुरल डिजास्टर है, बायो अटैक है, और पता नहीं ये क्या चीज़ है। यहाँ पे माउंटेन ऑप्शन है और प्लेन का भी ऑप्शन दिख रहा है, मेरे को काफ़ी सारे ऑप्शन दिख रहे हैं। यहाँ पे एक डायनासोर का ऑप्शन दिख रहा है, इसको यूज़ करके देखते हैं क्या होता है। तो गाइस यहाँ पे मैंने डायनासोर के ऑप्शन को यूज़ किया और भाई अचानक से हमारी सिटी इतनी तेज़ी से हिलने लगी ना कि भाई आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा खतरनाक है। मतलब इसने एक ही बार में पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया, जैसे कि आप लोग देख सकते हो इतनी बड़ी बड़ी बिल्डिंग थी जिसको इसने आते ही डिस्ट्रॉय कर दिया। मतलब कि कुछ बचा ही नहीं है सिटी में, सिर्फ दो तीन बिल्डिंग्स बची हैं जो क्या कहते हैं खड़ी हुई हैं, बाकी सारी की सारी इसने डिस्ट्रॉय कर दी है। अब ना मैं सोच रहा हूँ क्यों ना हम लोग बॉम्ब्स यूज़ करके देखें। तो यहाँ पे हम लोग ना कुछ मल्टी बॉम्ब्स यूज़ करके देखते हैं। तो भाई ये देख सकते हो इससे ना कुछ ज़्यादा इफेक्ट नहीं हुआ है, पर यार जो डायनासोर ने पूरी की पूरी सिटी को स्मैश किया ना, काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक लग रहा था। तो यहाँ पे एक प्लेन बॉम्ब ड्रॉप है, तो इससे भाई इससे काफ़ी ज़्यादा ही बड़ा डिज़ास्टर हुआ है। मतलब कि देख सकते हो आप लोग पूरी की पूरी जितनी भी बिल्डिंग थी सब की सब लगभग गिर चुकी हैं, बस एक दो और बची, उनको भी जल्दी से गिराते हैं बॉम्ब डाल के। तो गाइस यहाँ पे मैंने ना एक बार और बॉम्ब डाल दिया है, तो अब कुछ और नए ऑप्शंस यूज़ करते हैं। तो गाइस यहाँ पे ये ऑप्शन है, पता नहीं इसका क्या यूज़ है। तो गाइस ये ना मतलब ये एयर गन है जिस जो प्लेन में फिट करी गई है, जिससे ना ये बिल्डिंगों पे फायर करता है और उनको डिस्ट्रॉय करता है। वैसे इसने भी थोड़ा बहुत तो डैमेज दिया ही है पूरी कुछ बिल्डिंगों को। तो मेरे को ना एक ये ऑप्शन नज़र आया था, देखते हैं इसको, मेरे ख्याल से ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ही है। तो गाइस मैं बिल्कुल सही बोल रहा था, ये न्यूक्लियर बॉम्ब का ही ऑप्शन था। जैसे कि आप लोग देख सकते हो कि एक ही बार में ना इसने पूरी की पूरी सिटी को डिस्ट्रॉय कर दिया है, जो काफी ज्यादा खतरनाक है मेरे ख्याल से। A few moments later. तो गाइस यहाँ पे देख सकते हो एक भी बिल्डिंग नहीं बची है, सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है, मतलब सारी की सारी कबाड़ा होके एकदम जमीन में गिर चुकी है और जगह जगह से आग निकल रही है। यहाँ पे कुछ मैंने रॉकेट यूज करने की कोशिश करी, पर चलो कोई दिक्कत नहीं। तो यहाँ पे काफी सारे अभी ऑप्शन और बचे हैं, जैसे कि ये क्या है पता नहीं, ये मेरे को लग रहा है जाइंट ट्रांसफॉर्मर है क्या, मेरे को लग ऐसी रहा है, क्योंकि ये रोबोट जैसा कुछ मेरे को नजर आ रहा है जिसमें क्या कहते हैं हम लोग आगे पीछे मूव कर सकते हैं, फायर कर सकते हैं, जैसे कि आप लोग देख सकते हो फायर कर सकते हैं। और भाई साहब ये तो मेरे ख्याल से काफ़ी ज़्यादा खतरनाक होने वाला है, क्योंकि भाई ये आप लोग देख सकते हो कितना ज़्यादा देखने में खतरनाक लग रहा है। और ये अपने इसके गर्दन में ना लेज़र गन फिट है, जिससे ना ये सारी की सारी बिल्डिंग्स को एक बार में ही स्मैश कर सकता है। तो गाइस मैंने ना इस पूरी की पूरी सिटी को ना बहुत गंदा वाला डिस्ट्रॉय कर दिया है, जैसे कि आप लोग देख सकते हो, मतलब जगह जगह से फायर आग लगी हुई है और सारी की सारी बिल्डिंग्स ना स्मैश हो चुकी हैं पूरी तरीके से। मेरा यहाँ पे एक बार और मन कर रहा है प्लेन गिर, तो जल्दी से उन सभी को बॉम्ब्स को गिराते हैं प्लेन से। तो गाइस आप लोग देख सकते हो कितने सारे प्लेन आ रहे हैं एक साथ में और बॉम्ब गिराते जा रहे हैं और ये पूरी की पूरी जो मतलब कि पूरी की पूरी जो लैंड है ना, ये एक तरीके से हिल रही है, इतनी तेज़ी से ये बॉम्ब्स गिर रहे हैं ना, उनका साउंड भी काफ़ी ज़्यादा खतरनाक है। तो गाइस यहाँ पे मैंने लगभग लगभग सारे के सारे ऑप्शंस यूज़ करके देख लिए, एक बार इस ऑप्शन को भी यूज़ करके देखते हैं। ये मेरे ख्याल से टोनेडो है क्या, ये मेरे को लग रहा है हाँ ये टोनेडो ही है।
जो काफ़ी ज़्यादा, मतलब कि सारा का सारा जो बिल्डिंग बिल्डिंग का मटेरियल था वो सारा का सारा उड़ा के इधर उधर फेंक रहा है। अगर ये बिल्डिंगों के बीच में होता ना तो जितनी भी बिल्डिंग थी वो सारी की सारी इधर उधर जाके गिरती। तो गाइस हम लोग आ चुके हैं दूसरी सिटी में, मेरे ख्याल से ये एयरपोर्ट की जगह लग रही है क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारे प्लेन्स खड़े हुए हैं और काफ़ी सारे ट्रक्स भी जा रहे हैं जो ट्रांसपोर्ट मतलब सामान इधर उधर ले जा रहे हैं। तो गाइस यहाँ पे ना मैंने क्या कहते अर्थक्वेक लाया और यहाँ पे जितने भी टावर थे ना वो एक एक करके सारे गिर चुके हैं और यहाँ पे जगह जगह ब्लास्ट से हो रहे हैं। मेरे ख्याल से जितने भी ब्लास्ट है ना ये अंदर कुछ प्लेन वगैरह खड़े थे उनके ब्लास्ट लग रहे हैं मेरे को। तो गाइस यहाँ पे तो काफ़ी ज़्यादा खतरनाक सिचुएशन हो चुकी है। अर्थक्वेक के बाद तो यार एकदम से सारी की सारी बिल्डिंग्स ना गिर चुकी हैं और सारे के सारे प्लेन्स भी ब्लास्ट हो चुके हैं। यहाँ पे जितने व्हीकल आ रहे हैं वो बार बार ब्लास्ट होते जा रहे हैं। यहाँ पे इस बार ना यूज़ करते हैं हैवी विंड को। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने हैवी विंड को यूज़ किया है जिससे ज़्यादा कुछ इफेक्ट तो नहीं हुआ है, पर हाँ ये है कि प्लेन वगैरह थोड़े से हिलने लगे, बिल्डिंगें भी हिल गई हैं काफ़ी ज़्यादा। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एसिड रेन को यूज़ किया है। तो गाइस आप लोग जैसे देख सकते हो यहाँ पे जैसे ही हम लोगों ने एसिड रेन को यूज़ किया यहाँ पे जितनी भी बिल्डिंग्स थी ना वो सारी की सारी डिस्ट्रॉय हो चुकी है एकदम से, मतलब कि सारी की सारी एकदम स्मैश हो चुकी है। कुछ समझ में नहीं आ रहा है कहाँ पे क्या चीज़ है। तो गाइस यहाँ पे जैसे कि देख सकते हो सारी की सारी बिल्डिंगें एकदम गिर चुकी हैं। पहले इस एसिड को थोड़ा हटने देते हैं तब पता चलेगा। तो गाइस ये देख सकते हो कि सारी की सारी बिल्डिंगें तो एकदम डिस्ट्रॉय हो चुकी हैं बहुत बुरी तरीके से। और यहाँ पे मैं ना माउंटेन का ऑप्शन यूज़ किया तो भाई उससे ना यहाँ पे होल होता जा रहा है, मेरे ख्याल से कहीं ये बहुत बड़ा सा होल ना बन जाए। तो चलते हैं दूसरी सिटी में। तो गाइस यहाँ पे हम लोग दूसरी सिटी में आ चुके हैं और आते ही यहाँ पे अर्थक्वेक आ गया है जिससे ना जितनी भी गाड़ियाँ थी वो एक एक करके ब्लास्ट होने लगी है। वैसे सिटी तो अभी बची हुई है। तो इस बार ना ऑक्टोपस को यूज़ करके देखते हैं, यहाँ पे एक ऑक्टोपस का ऑप्शन है। तो गाइस इससे क्या होता है, तो भाई साहब इसने ना अपने लंबे लंबे पैरों से जितनी भी बिल्डिंगें थी बड़ी बड़ी उन सभी को एक एक करके गिरा दिया है ना। अब ना हम लोग यहाँ पे थंडर स्टॉर्म का यूज़ करते हैं। गाइस यहाँ पे देख सकते हो आप लोग जैसे थंडर का यूज़ करते ही ना पूरी की पूरी बिल्डिंग टूट के नीचे गिर जा रही है, काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक है। मेरे ख्याल से यार हम लोगों को कुछ और नए ऑप्शंस यूज़ करने चाहिए। तो यहाँ पे हम लोग यूएफओ वाला ऑप्शन यूज़ करके देखते हैं इससे क्या होता है। तो गाइस यूएफओ वाला ऑप्शन ना काफ़ी ज़्यादा ही खतरनाक था, मतलब इसने ना एक बार में तीन बिल्डिंग गिरा दी है। तो गाइस सबसे ज़्यादा मतलब डेंजरस ऑप्शन जो है हमारे लिए वो है न्यूक्लियर बॉम्ब का। देख सकते हो एक ही बार में सारी की सारी जगह ब्लास्ट हो जाती है और पूरा का पूरा जो मतलब स्काई है वो रेड कलर का हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोगों ने एक न्यूक्लियर बॉम्ब को यूज़ किया जिससे ना इतने ज़्यादा डिजास्टर हो गया कि आप लोग जैसे देख सकते हो। गाइस यहाँ पे ना मेरे ख्याल से यहाँ पे हम लोग कुछ TNT को यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पे TNT तो काफ़ी सारी है, यहाँ पे हम लोग ना एक बार न्यूक्लियर बम को फिर यूज़ करके देखते हैं। तो गाइस यहाँ पे हम लोगों ने एक बार न्यूक्लियर बम को फिर यूज़ किया है जिससे जितने भी ना बिल्डिंगें थी वो सारी की सारी ब्लास्ट हो चुकी है। देख सकते हो सारी की सारी बिल्डिंगें जो अभी भी जो स्ट्रॉन्ग पिलर हैं ना वो भी इतने ज़्यादा हिल रहे हैं। तो ये देखो गाइस मतलब पूरा का पूरा जो स्काई है वो रेड कलर का हो चुका है इस बॉम्ब को यूज़ करने के बाद में। तो गाइस क्या सिचुएशन होती होगी न्यूक्लियर बॉम्ब के अटैक के बाद में देख सकते हो। तो गाइस यहाँ पे पता नहीं ये कौन सा अजीब सा मॉन्स्टर मैंने ज़मीन से निकाल दिया, मेरे को समझ में नहीं आ रहा भाई साहब ये तो एक बिल्डिंग को अचानक से पूरा का पूरा डिस्ट्रॉय कर सकता है। जैसे कि आप लोग देख सकते हो जो टावर मतलब कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी नहीं हटे वो सारे के सारे टावर क्या कहते हैं इस मॉन्स्टर से हट गए हैं। भाई साहब काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है ये मॉन्स्टर, मेरे को पता नहीं क्यों ऐसा लग रहा है ये जो मॉन्स्टर है ना काफ़ी ज़्यादा ख़तरनाक है।
क्योंकि गाइस ये दिखने में ही काफी ज्यादा खतरनाक है। इसने जितनी भी बिल्डिंग थी उन सभी को स्मैश कर दिया है। तो गाइस यही थी गेम प्ले वीडियो। अगर आप लोगों को ये वाली गेम प्ले वीडियो अच्छी लगी और आप लोग चाहते हो कि मैं और गेम प्ले वीडियो लाऊं तो जल्दी जाओ कमेंट में जाके जरूर बताना। और इस वीडियो को यार लाइक करना बिल्कुल मत भूलना। प्लीज गाइस लाइक करो इस वीडियो को। इस वीडियो पे हम लोग लाइक एम लगते हैं खाली 150 लाइक्स का एम है, बहुत छोटा एम है। जल्दी जाके लाइक बटन को दबा दो, एम को कंप्लीट कर दो और चैनल पे नहीं हो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। और मेरे से बात करने के लिए आप लोग मेरे इंस्टाग्राम डिस्कॉर्ड को फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में। मिलते हैं नेक्स्ट गेम प्ले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय गाइस।